नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इसी साल जून महीने में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा ने पार्टी को नए सिरे से संवारना शुरू कर दिया। पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए संजय झा की रणनीति अब रंग लाने लगी है। आज संजय झा ने क्रिकेटर ईशान किशन के पापा को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। ईशान किशन के पापा इंजीनियर प्रणब कुमार पांडे के जेडीयू में शामिल होने से न सिर्फ जातीय समीकरण को साधने में संजय झा कामयाब रहे हैं, बल्कि ईशान किशन की लोकप्रियता का भी जेडीयू को फायदा मिल सकता है। इस रिपोर्ट देखिए। रंग ला रही है संजय झा की रणनीति। जेडीयू के कुनबे को मजबूत कर रहे हैं संजय झा। जेडीयू की टीम में ईशान किशन के पापा, इंडियन टीम के धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन के पापा इंजीनियर प्रणव कुमार पांडे जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के नए चाणक्य बनकर उभरे संजय झा की रणनीति अब पार्टी में रंग लाने लगी है। जेडीयू को नए सिरे से तैयार कर रहे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ईशान किशन के पिता इंजीनियर प्रणव कुमार पांडे को जेडीयू में शामिल कराकर इसकी तस्दीक भी कर दी। हम लोग आज प्रणव पांडे जी का स्वागत करते हैं पार्टी में, और जो 2025 का आगाज है, कल तो हम लोग का एनडीए का मीटिंग भी है, बड़ी मीटिंग यहाँ है, तो का स्वागत करते हैं। और इनके आने से निश्चित रूप से खास करके मगध में, पटना में, इन सब क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती मिलेगी। पटना के रहने वाले ईशान किशन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इंडियन टीम में ओपनर बल्लेबाज की भूमिका निभा चुके हैं। आईपीएल में ईशान किशन के खौफ से गेंदबाज डरे रहते हैं। फिलहाल ईशान किशन इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है। हालांकि भारतीय ए टीम में अभी ईशान किशन खेल रहे हैं। संजय झा का मानना है कि ईशान किशन की लोकप्रियता का फायदा जेडीयू को मिलेगा। आप लोग जानते हैं ईशान किशन इनके पुत्र जो है वो इंडिया के लिए खेलते हैं, बिहार का नाम रोशन करते हैं, किया है, 2020 खेलते हैं, इतना जबरदस्त शॉट लगाते हैं, और ये पटना में अपना कारोबार करके बेटे को इस मुकाम तक पहुंचा है। वही ईशान किशन के पिता इंजीनियर प्रणव कुमार पांडे का जेडीयू से पुराना रिश्ता है। वो समता पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। प्रणव कुमार पांडे कहते हैं, बिहार का विकास नीतीश कुमार के कारण ही हुआ। पार्टी अगर भरोसा जताती है तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी तक वैसा कुछ हमने सोचा नहीं है, देखेंगे पार्टी का क्या डिसीजन होता है, लेकिन हम कहेंगे भी नहीं। अगर पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। पार्टी कहेगी तो फिर पार्टी के साथ तो तन मन धन से हैं, पूरी निष्ठा से हैं, वो तो जो कहेगी वो करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर रहे हैं। दावा है कि उपचुनाव की सभी 4 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। चारों उपचुनाव में जो अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, जो फीडबैक आ रहा है, चारों उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, छोटे मार्जिन से नहीं जीत रहे। जेडीयू के कुनबे में ईशान किशन के पिता के आने से कार्यकर्ताओं में जोश है। उपचुनाव से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव तक में इसका असर दिख सकता है। शिवम, जी मीडिया, पटना।